हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वह उन्हें बहुत जिम्मेवारी के साथ देश की आवश्यकताओं को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और हमारी जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट होती है, याददाश्त हमारी बहुत शॉर्ट होती है। हम भूल जाते हैं कि सही में मेडिकल एजुकेशन की स्थिति क्या थी। अब मैं शब्द ये नहीं बोलूँगा कि दुर्गति क्या थी। मेडिकल एजुकेशन एक बिजनेस का अड्डा बन गया था। मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था और नीट ला रहा था उस समय चर्चा इस बात की होती थी, सभापति जी आप आश्चर्य करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट की एक सीट 8-8 करोड़ में बिकती थी। कोई मेरी बात को झुठला के इस हाउस में बता दे कि मैं गलत बोल रहा हूं, 8-8 करोड़। और अगर रेडियोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट में और डिसिप्लिन में अगर आपने जाना हो तो वो 12-13 करोड़ जाती थी। इट हैज बिकम ए ओपन बिजनेस, इट वॉज हैड बिकम ओपन बिजनेस। मेरी बात सुन ले, मैं ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं कुछ तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। इट हैड बिकम एन ओपन बिजनेस। और बच्चों का क्या हाल होता था, आज हम सब लोग बच्चों के रहनुमा हैं और रहना चाहिए और बोलना चाहिए। माँ बाप के साथ एक एग्ज़ाम देने के लिए भुवनेश्वर जाते थे, एक एग्ज़ाम देने के लिए वो चेन्नई जाते थे, एक एग्ज़ाम देने के लिए वो तिरुवनंतपुरम जाते थे, एक एग्ज़ाम देने के लिए वो मुंबई जाते थे, कहाँ कहाँ वो चक्कर नहीं लगाते थे। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड, द अमाउंट ऑफ सिचुएशन एंड भयंकर करप्शन। आप ही बताइए, आपको किसी को एक स्टेट में भेज दें जिसके आप रास्ते तक नहीं जानते हो, उस मेडिकल एजुकेशन में क्या अंदर चल रहा है उसके बारे में वो बेचारा क्या जानेगा, कब जाएगा देखेगा कि लिस्ट मेरी लगी कि नहीं लगी। ये दुर्गति थी ये हेल्थ के मेडिकल एजुकेशन के सिस्टम की। कहाँ वो जाके देखेगा कि और लोग क्या ऐसे करते थे। सभापति जी मैं बताना चाहता हूँ, एडमिशन लिस्ट 30-45 मिनट के लिए लगाई जाती थी और हटाई जाती थी और बाद में कहा जाता था कि स्टूडेंट्स डिड नॉट कम और इसलिए ये सीट्स जो हैं वो अब हम अपने डिस्क्रिप्शन पर इसको उपयोग कर रहे हैं। एक ये धंधा बन गया था।